आदरणीय डॉक्टर कमलेश जी, डॉक्टर संजीव, श्री जगदीश भाई चौधरी, सभी उपस्थित शिक्षकगण, शोधार्थी और विद्यार्थियों, कहते हैं रसा स्वादन के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतना रस, भाव रस कहिए या ज्ञान रस कहिए या सौंदर्य रस कहिए, इस पिछले 45 मिनट में हम लोगों ने किया है कि अब मेरी स्थिति जल जैसी है, तो उसको ज़्यादा ग्रहण आप लोग ना करें, क्योंकि रस का स्वाद जितनी देर तक रहे उतना ही वो मन में भी रहता है, सिर्फ जिह्वा पर ही नहीं रहता। लेकिन साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते और डॉक्टर संजीव की प्रतिभाओं को कई वर्षों से जानते हुए, मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, भले ही आज हम बहुत छोटे रूप में पहुंचा पाए, शायद कभी और बृहत रूप में खंडों में भी पहुंचा सकें, तो वो खाली मुझ तक ही सीमित ना रह जाए। क्योंकि हम तो कई बार बैठते हैं अनौपचारिक बातों में, कालिदास को कई तरह से जिया भी है, कन्या हूँ, संजीव तुम्हारी अनुमति के साथ एक कालिदास का ही मुझे मन में रह गया है, क्योंकि कन्या हूँ और वो इतनी चिंता और प्रियता है उसमें कालिदास की, कह उष्णोद के नव मालिकाम संचयती, तो मुझे हर लड़की वो नव मालिका ही दिखती है और उस पे आने वाली कठिनाई वो उष्णोद कब जलता हुआ उबलता हुआ पानी ही दिखता है, कि हमेशा यही प्रार्थना होती है कि कोई नव मालिका पे ये उबलता हुआ पानी ना पड़े और किसी कन्या की आंख में एक आंसू भी ना आए। तो ऐसी द्रव्यता, ऐसी भाव, ऐसे सौम्यता, इस विचार के साथ जिसने महान कवि ने हमें ये एक ग्रंथ दिया, उस ग्रंथ को हम कहाँ तक पहुँचा सकें, फिर वो विभागों के बंधन हो, साहित्य या कॉमर्स की दीवारें हो, इसलिए मेरा आग्रह था और मैं अपने सभी कॉमर्स के शिक्षकों का हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आप लोग यहाँ बैठे, क्योंकि देखा जाए तो विषय से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये भावों की भाषा है, ये संस्कृति की भाषा है, ये संस्कारों की भाषा है। और जितना न्याय आज डॉक्टर संजीव ने किया इस पूरे परिधि में, मुझे बहुत बहुत खुशी भी है कि ये संभव हो सका और मन से अनुग्रहित भी हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। और आप सभी का, विभागों का भी, अपने विश्वविद्यालय के विभागों का और अपने कॉलेज का, विद्या का खास करके, उसने इतने तुरंत इस बात को प्यार से लिया कि नहीं बिल्कुल हम ये करेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।